पुलिस ने नागझिरी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा कर दिया, जिसमें फरियादी ही चोर निकला, जिसने पुलिस थाने में चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नागझिरी थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले विक्रांत खत्री के सूने मकान में 5 मई को चोरी हो गई थी, जिसमें बदमाश घर में रखे लाखों रुपए के कीमती के सोने के जेवरात चुरा कर ले गए थे। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में CSP श्वेता गुप्ता ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने CCTV फुटेज और फिंगरप्रिंट के आधार पर जब फरियादी से गहन तरीके से पूछताछ की गई तो उसने झूठी रिपोर्ट लिखना स्वीकार कर लिया। CSP ने बताया कि फरियादी ने मणिपुरम बैंक में गोल्ड रखकर 7.5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसने यही सोना चोरी होने की झूठी रिपोर्ट लिखा दी। फरियादी ने संपत्ति बंटवारे के डर से ये कदम उठाया। अब पुलिस मामला खारिज करने के बाद फरियादी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाने की कार्रवाई करेगी। फरियादी विक्रांत खत्री द्वारा 5 तारीख को थाना नागझिरी पे मौखिक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसके घर में 4 तारीख की रात्रि में घर की छत काटकर कुछ चोरों ने प्रवेश किया है और घर का कीमती सामान चुरा कर ले गए हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चोरी का शीघ्र खुलासा करने और निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। टीमें बनाई गई थी, पुलिस के द्वारा भी इसको गंभीरता से लिया गया और जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सभी पर पुलिस के द्वारा तस्दीक की गई। CCTV फुटेज करना, अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद लेना, निगरानी बदमाशों से पूछताछ करना, जब इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस कार्रवाई, ठोस सबूत हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने पुनः घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, घटना को रिक्रिएट किया, स्पॉट को रिक्रिएट किया तो ये पता चला कि जो घटना स्थल फरियादी के द्वारा बताया गया है वहां से किसी चोर का प्रवेश करना संभव नहीं है। जब पुलिस को शंका हुई उसके बाद पुलिस के द्वारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली गई तो हमें कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। फरियादी से गहन पूछताछ की गई तो उसमें यह पता चला कि फरियादी के द्वारा एक वर्ष पूर्व मणिपुरम गोल्ड लोन लिया गया था, जिसमें जो उसके द्वारा चोरी गया मशरू का लिखाया गया है वो बतौर सिक्योरिटी वहां पर एक वर्ष पूर्व जमा कराया गया था, जिसकी तस्दीक हमने मणिपुरम गोल्ड लोन से की है। तो वहां से ये तस्दीक हो गई है कि जो चोरी गया मशरू का है वो मणिपुरम गोल्ड लोन में और सिक्योरिटी रखा हुआ है। इसमें हम खारजी कथा करेंगे, झूठी रिपोर्ट लिखवाने पर खारजी कथा करने की कार्रवाई की जाती है और उसके बाद 182/211 जो न्यायालय के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई वो की जाएगी। उज्जैन के थाना नीलगंगा क्षेत्र के गधा पुलिया स्थित होटल कृष्णा पैलेस के रूम में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू, कोई जनहानि नहीं हुई। रूम में लगा लकड़ी का बेड और लकड़ी की अलमारी जलकर खाक हो गई और रूम में उस समय कोई भी यात्री नहीं रुका हुआ था। दमकल कर्मियों ने बताया कि जैसे ही सूचना दमकल कर्मियों के पास आई तो तुरंत गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जिला प्रशासन को SMS जितनी भी छोटी और बड़ी होटल है आज सेफ्टी के इंतजाम के ऊपर ध्यान देना होगा, अन्यथा किसी भी दिन बड़ी घटना एक बार फिर सामने नजर आएगी, क्योंकि कई होटलें गली मोहल्लों में बनी हुई है जहां पर दमकल की गाड़ियां तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे में अगर बड़ी जनहानि होती है तो ऐसे में पूरा दोष जिला प्रशासन पर फूट सकता है। होटल कृष्णा पैलेस में हमको आके सूचना मिली थी, तुरंत हमने आके कार्रवाई की। इसमें गद्दा और POP जली है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। उज्जैन में बीती रात फ्रीगन ब्रिज से चामुंडा चौराहा तरफ आ रही तेज रफ्तार से कार डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में ड्राइवर सहित गुजरात के 3 अन्य युवक घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। रवि पिता रमेश, चिंटू पिता ओम प्रकाश, उसका भाई हितेश, तीनों निवासी अहमदाबाद कार से उज्जैन दर्शन करने आए थे। रवि के रिश्तेदार जीतू ने बताया कि रवि कार ड्राइवर चला रहा था, वह चिंटू और हितेश के साथ नानाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाले रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, तभी रात करीब 11:30 बजे उनकी कार बिजासन माता मंदिर के सामने रोड डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में रवि को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि चिंटू व हितेश का उपचार जारी है। खाशरोद में पंचवटी पैलेस के पास एक पाइप के गोदाम में आग लग गई। क्षेत्र में भीषण धुआं उठने के बाद आग की घटना का पता चला। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। खाशरोद तहसील में स्टेशन रोड पंचवटी पैलेस के पास एक गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद क्षेत्र से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। गोदाम में कृषि संबंधित प्लास्टिक के पाइप और सामग्री रखे थे, जिसके जल जाने से लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे धुएं के गुबार उठने के बाद आग का पता चला। फिलहाल गोदाम में लगी अचानक आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
गनीमत रहे कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और पुलिस मामले में आग लगने के कारणों का पता कर रही है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आम भक्तों को सुलभ शिखर दर्शन व्यवस्था को लेकर जो निर्णय लिया है उसका स्वागत है, क्योंकि पहले सुलभ शिखर दर्शन का लाभ भक्तों को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। सुलभ शिखर दर्शन के लिए प्रबंध समिति द्वारा प्रवचन हॉल और देवास धर्मशाला को हटाकर सुलभ शिखर दर्शन का फेज बनाया है जो सराहनीय है। पश्चिम उत्तर और दक्षिण से तो सुलभ दर्शन होंगे, लेकिन पूर्व से संभवत आम भक्तों को सुलभ शिखर दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पुरातत्व विभाग और मंदिर समिति मिलकर खुदाई में प्राप्त अवशेषों को जोड़कर 37 फीट ऊंचा मंदिर बनाना चाहती है, जिससे पूर्व दिशा से महाकालेश्वर मंदिर का महत्व समाप्त हो जाएगा और सुलभ शिखर दर्शन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। महाकाल सेना के धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख महेंद्र सिंह बेस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष को पत्र भेजकर इस अवशेषों के मंदिर निर्माण को रोकने और महाकाल मंदिर के शिखर के दर्शन को सुरक्षित रखते हुए चारों दिशाओं से शिखर दर्शन की व्यवस्था बनाने की मांग की है। प्राचीन अवशेषों को देखने के लिए होते हैं, ना कि उनका निर्माण कर महाकाल मंदिर के शिखर को दबाना उचित होगा। जिस प्रकार देवास धर्मशाला और प्रवचन हाल को तोड़कर शिखर दर्शन सुलभ बनाया है, इसी तरह पूर्व दिशा में भी किसी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं करते हुए भक्तों के सुलभ शिखर दर्शन के अधिकार को मंदिर समिति को सुरक्षित रखना चाहिए। मंदिर समिति और पुरातत्व विभाग द्वारा महाकाल मंदिर महाकाल लोक में खुदाई में जो अवशेष मिले प्राचीन मंदिरों के, उसके संदर्भ में एक पत्र भेजा है कि मंदिर समिति और महाकाल लोक में जो अवशेष मिले थे उसका लिए पूर्व दिशा में इन्होंने एक मंदिर 37 फीट ऊंचा एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया, ऐसा ज्ञात हुआ है। तो मंदिर प्रबंध समिति का जो निर्णय था कि शिखर दर्शन चारों दिशाओं से होना चाहिए, अगर ये पूर्व दिशा में 37 फीट ऊंचा मंदिर का निर्माण करते हैं तो पूर्व दिशा से शिखर दर्शन का लाभ आम भक्तों को नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में हमने पत्र लिखा है और उसमें ये भी मांग करी है कि 37 फुट ऊंचा मंदिर न बनाए, ताकि पूर्व दिशा से शिखर मंदिर दर्शन की व्यवस्था सुचारू रूप से जो मंदिर प्रबंध समिति का निर्णय यथावत रहे और जो अवशेष प्राप्त होते हैं मंदिर की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनको एक कहीं पे व्यवस्थित रूप के और आम दर्शनार्थियों के लिए रखना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि यहाँ अवशेष मिले हैं। उज्जैन चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली छोटी मायापुरी स्थित शीतला माता मंदिर में विगत रात्रि में अज्ञात असामाजिक तत्व द्वारा तोड़फोड़ करने के साथ ही माताजी की मूर्तियों को मंदिर के बाहर सड़क पर फेंक दिया। सूचना मिलते ही हिंदुवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया, फिलहाल आरोपी का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने क्षेत्रवासियों को पुनः मंदिर को यथास्थिति में लाने व मूर्तियों को स्थापित करने का आश्वासन दिया है। आज सुबह कार्यकर्ता का फोन आया कि यहाँ पे छोटी मायापुरी है, यहाँ पे शीतला माता मंदिर को खंडित कर दिया गया और उनकी मूर्तियाँ 20 कदम की दूरी पर फेंक दी गई है। ऐसी सूचना हमको फोन पे मिली। मेरी पूरी टीम एवं हिंदू समाज के साथ में आकर हमने यहाँ मुआयना किया तो हमको पता चला कि वास्तविकता यही है कि माताजी के मंदिर जो है वो खंडित कर दिया गया है और किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ने उन माताजी को बीच चौराहे पे फेंक दिया गया है। इसमें हमने पुलिस को भी सूचना दी और चिमनगंज पुलिस में आकर उन्होंने भी यहाँ का पूरा प्रकरण देखा और उन्होंने रहवासी संघ को कहा है कि वो चिमनगंज थाने पर आके मिले और नई तरह से मूर्ति स्थापित करे और जो भी है प्रकरण की जांच की जाए। अभी व्यक्ति का पता नहीं चला है कि किसने मूर्तियां फेंकी किसने नहीं फेंकी। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर उज्जैन परिसर में चल रहे एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में पूरे संभाग से करीब 450 बच्चे और 100 के करीब एनसीसी स्टाफ भाग ले रहा है। शिविर में प्रातः 6 बजे से कैडेटों ने पीटी एवं योगा का अभ्यास कराया जा रहा है।
स्वल्पाहार के पश्चात उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में समस्त एनसीसी कैडेट्स को परेड प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सभी कैडेट्स बड़े उत्साहपूर्वक अभ्यास कर रहे हैं। कैडेटों को कर्नल गोरो थापा ने एनसीसी के 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में शिविर की बिंदुवार समस्त जानकारी दी है। उन्होंने कैडेट्स को राष्ट्र व समाज की प्रमुख कड़ी बताते हुए कहा है कि एनसीसी कैडेटों की समाज में प्रमुख भूमिका रहती है। प्रशिक्षण से कैडेट्स के अंदर राष्ट्र एवं समाज के लिए कार्य करने का भाव भरा जाता है, इसलिए एक एनसीसी कैडेटों दूसरे शिक्षार्थी से अलग एवं बेहतर नागरिक बनता है। अतिथि उद्बोधन में विशेषज्ञ प्रदीप चतुर्वेदी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रसायन विज्ञान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताजपुर द्वारा पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है, जिसमें कैडेटों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में रुचि जागृत हुई है। शिविर में स्वास्थ्य संबंधित भोजन पेय जल आदि व्यवस्था यूनिट के सूबेदार मेजर अशोक यादव द्वारा समुचित रूप से की जा रही है। कैम यानी संयुक्त, इसमें दो यूनिट अभी है। 10 MP के भी बच्चे इसमें आए हैं, 11 तक के बच्चे हैं और 2 MP के सारे बच्चे जो अपने उज्जैन में संचालित होती हैं संस्थाएँ, एक्सीलेंस स्कूल सीएम राइज महाराज वाला तमाम तीन सराफा स्कूल, सरस्वती भारती ज्ञानपीठ और कॉलेज में साइंस कॉलेज है और कालिदास गर्ल्स कॉलेज है, इनके सीनियर डिवीज़न और जूनियर दोनों कैडेट्स यहाँ पर 450 के लगभग कैडेट्स यहाँ पर उपस्थित है और PI स्टाफ 10 MP का भी है और CO साहब के निर्देश में, गौरव थापा जी हैं उनके निर्देश में ये पूरा कैंप ATC कैंप चल रहा है और आज ये तीसरा दिन है। कैंप में क्या सिखाया जाता है सर बच्चों को? कैंप में सर एक तो कैंप का मतलब होता है कि कैंप में जो बच्चे हैं उसमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेतृत्व का प्रकार, यानी विभिन्न जो विषय होता है और इसमें हम बाहर से भी एक सेंटर लेक्चर होता है, यानी बीच में 4 बजे से लेकर के 5 बजे बीच में एक विषय विशेषज्ञ बुलाते हैं और उनको जैसे आज का जो विषय है उसमें है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उसमें नेतृत्व का प्रकार, नेतृत्व की क्षमता, इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। इसके बाद साइबर कैफ़े वाले को हम बुलाएंगे तो साइबर कैफ़े के बारे में बुलाए, पास्को एक्ट के लिए हम किसी जज को आमंत्रित करेंगे, वो आएंगे और इनको अवगत कराएंगे। बाकी ड्रिल, चाल चलन कैसी होना चाहिए, पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, उसके बारे में इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। सुबह योगा अभ्यास कराया जाता है, तो इस प्रकार से जो संपूर्ण कैंप के नियम हैं वो यहाँ सुबह 5 बजे से बच्चे ग्राउंड में आ जाते हैं और शाम को सांस्कृतिक गतिविधि जो होती है वो भोजन करने के पश्चात लगभग 9 बजे तक चलती है